स्वर्गीय राजीव गांधी जिनको भारत रत्न मिला, जो देश के शहीद हो गए और जिनका सपना था देश को 21st सेंचुरी ले आने का, उसी कारण से आज क्रांति हुई है देश के अंदर, IT की, इंटरनेट की, मोबाइल की, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में उनकी रुचि थी। सत्ता का विकेंद्रीकरण किया तो पंचायत राज का चुनाव टाइम होने लगे तो संविधान में संशोधन करना पड़ा, चौहत्तरवा। वो प्रधानमंत्री थे तब भी पहली बार देश के 18 साल के नौजवान को, पहले 21 साल के नौजवान को वोट देने का अधिकार था, और उन्होंने 18 साल के नौजवानों पर विश्वास किया कि देश की तकदीर का फैसला करने में 18 साल के नौजवान को मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए। तो आज उनकी जन्म जयंती 75वीं, उनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है, और मुझे खुशी है कि जो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, चाहे बायोमास हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो और सोलर एनर्जी हो, वो भी एक क्रांति के रूप में सामने आ रही है। और कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान देश रहे नहीं बल्कि विश्व का अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सिरमौर बन सकता है। सोलर के अंदर जिस प्रकार की संभावनाएं राजस्थान में है, वैसी संभावनाएं शायद दुनिया के दूसरे मुल्कों में कहीं नहीं है, और देश के अंदर भी सबसे अधिक सोलर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं राजस्थान के अंदर, रेगिस्तान के इलाके हैं। इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर तमाम साथियों को जो इस दौड़ में भाग ले रहे हैं, उनको मैं अपनी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले वक्त में उम्मीद करता हूँ कि जो संदेश आप इस दौड़ के माध्यम से देंगे, अक्षय ऊर्जा की प्रतिज्ञा तो अब लेंगे ही लेंगे, परंतु साथ में आपका संदेश भी आम जनता तक पहुंचे, ये भावना इस दौड़ के पीछे है। मैं शुरू करता हूँ, आप लोग इसको दोहराएंगे। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के अत्यधिक उपभोग को कम करने व ऊर्जा के तक उपयोग का प्रयास करूंगा तथा अक्षय ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाऊंगा एवं अपने परिवार के सदस्यों और समाज को अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करूंगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं, धन्यवाद।